कोटा में 13 दिन पहले लापता हुए कोचिंग छात्र को पुलिस और साइबर सेल की टीम ने अंबाला से दस्तियाब कर लिया है। छात्र परीक्षा को लेकर तनाव में था, इसलिए वो कोटा से गायब हो गया था। वहीं अपने बेटे को सकुशल पाकर पिता ने कोटा पुलिस को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि वेदांता रेजिडेंसी में रहने वाला छात्र आदित्य कोटा में एक निजी कोचिंग संस्थान में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसका एंट्रेंस का एग्जाम ग्रेटर नोएडा में था, जिसके लिए वो कोटा से रवाना होने वाला था, लेकिन वो न तो ट्रेन में बैठा और न ही घर पहुंचा, जिसके बाद पिता रमेश चंद्र ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने छात्र को अंबाला से दस्तयाब कर लिया। ये कोचिंग स्टूडेंट हमारे 2 तारीख से यहाँ से दखनी तालाब गया था, वहाँ से इन्होंने क्या ये पढ़ाई की वजह से तनाव में आ गया, तो घर जाने की वजह नीट का जो एग्ज़ाम देना था एग्ज़ाम नहीं दे करके ये वहाँ से अपने डिप्रेशन की वजह से रामगंज मंडी गया। रामगंज मंडी से ट्रेन में बैठ के फिर इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से फिर ये हरिद्वार गया और फिर अम्बाला। हम इनके पीछे, हम और इनका परिवारजन यहाँ काफ़ी परेशान थे, तलाश कर रहे थे। हमने सारी साइबर की टीम लगा रखी थी, हमने अपने जो मुक्कर जो भी थे वो सारी टीम लगा रखी थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इससे हमें और यहाँ आम जन को भी जो भी डिस्कस करता था कि बच्चा खो गया है तो सबको दुख होता था। फिर हमें कोई क्लू मिला, उस क्लू पे हम गए तो उस बच्चे को रेस्ट करके लाए, बच्चा अभी ठीक है। आंसर के बाबा